हाँ सर, नाउ डिजाइन सर जो डिजाइनिंग वाला जो सेक्शन होता है इसमें कंट्रोल सिस्टम में, हाँ तो वो कैसे, मतलब कौन सा सेक्शन से होता है सर, मतलब कैसे कैसे आता होगा इसमें? जैसे नहीं समझे फिर से बस बताओ। हाँ कंट्रोल सिस्टम में जो डिजाइनिंग करने के लिए आता होगा ना ऐसे? तो वो तुम्हारा देखो ये लीनियर कंट्रोल सिस्टम में जैसे पीआईडी कंट्रोलर है, स्टेट स्पेस में स्टे, यहाँ पे बहुत सारा तुम्हारा आएगा, तुम्हारा जस्ट स्टेट स्पेस में तुम्हारा जैसे स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर होता है, एडॉप्टिव स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर रहता है। सो डिफरेंट जैसे कंट्रोलर रहता है उसका ट्यूनिंग करना या कैसे उसका वैल्यू को निकालना है, कंट्रोलर डिजाइन करना, तुम्हारा क्या तुम्हारा डिजायर आउटपुट है, वो सारा चीज में आता है। जैसे नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम में उसको लिनियराइज करना, ये सब नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके सो अभी हम लोग आते हैं डिजिटल कंट्रोल सिस्टम अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी तुम लोग जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो, सो जस्ट हम लोग बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो अभी हम तुम लोग को एक बुक दिखाते हैं, बुक जस्ट वेट, हम उस बुक का अभी, वो बुक हमारे पास है लेकिन पता नहीं शायद हमको लगता है कॉलेज में रखा हुआ है या फिर मिल नहीं रहा है, हम कल खोज के निकालेंगे। तो अभी हम फिलहाल उसका सॉफ्ट कॉपी नेट से डाउनलोड किए हैं, तुम लोग भी नेट से डाउनलोड कर लेना, नेट पे उसका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ कॉपी अवेलेबल है। ओके सो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, हेलो। सो अभी जैसे हम के वाटा का ये देखो ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम ये हम अभी डाउनलोड किए हैं। के ओगाटा का डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम बोल के ओगाटा का बुक आता है। सो अभी हम लोग सबसे पहले जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ओके सो जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग देखते हैं कहाँ पे, ये इसका स्कैन कॉपी है शायद, है ना, चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। जस्ट वेट, सबसे पहले बताओ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। हेलो यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। सर एनालॉग सिग्नल जो होता है वो जो टाइम का किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम आउटपुट लेना चाहेंगे तो उसमें मिलता है सर जो, लेकिन डिजिटल वाले में सर मतलब किसी भी इंस्टेंट पर मतलब वैल्यू लेते हैं तो वो नहीं मिलता है, किसी पार्टिकुलर मतलब टाइम इंस्टेंट पर ही मतलब उसका जो होता है वैल्यू मिल यस पाता है। सो डिजिटल सिस्टम जैसे हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उस वहां पर हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका उसका जो आउटपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड रहेगा वो मिलेगा। एनालॉग सिग्नल में तुम किसी भी टाइम में, वो एक कंटिन्यूअस सिग्नल रहता है, वो एक डिस्क्रीट सिग्नल रहता है। दैट मीन्स सपोज हम लोग का एक सैम्पलर यूज किए जो कि हर 1 सेकेंड में या हर 1.5 सेकेंड में सिग्नल का आउटपुट वैल्यू कितना है वो तुमको बता देगा। उसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल में यही डिफरेंस है। ओके सो तुम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़े होगे, है ना। एंड इवन हमको जहां तक याद लग रहा है कि तुम लोग जेट ट्रांसफॉर्म सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़े हो, यस और नो। पढ़े हैं लेकिन उतना अच्छा से नहीं अभी हो पाया है सर कॉन्सेप्ट। ओके सो देखो जेट ट्रांसफॉर्म ऐसे तुम्हारा इस बुक में तो शायद किसी कोई यूज किया हुआ है तो उसको स्कैन करके डाला है। ओके सो हम जेट ट्रांसफॉर्म से ही यूज करते हैं, और ये इवन तुम्हारा इवन गेट के एग्जाम गेट में भी कभी कभी जेट ट्रांसफॉर्म से आता है, वो आता है सिलेबस में है। ओके सो नाउ जेट ट्रांसफॉर्म, सो जेट ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है। जैसे कोई भी तुम्हारे पास मान लो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है,
सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है दैट मींस उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड फॉर टी इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल टू टी टी जो है कैपिटल टी इज द सैम्पलिंग पीरियड ओके सो फॉर ईच इज आफ्टर ईच सैम्पलिंग पीरियड तुमको उस डेटा का वैल्यू मिलता है जैसे हम लोग उसको वैल्यू को इंडिकेट करते हैं मान लेते हैं कि वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है दैट मींस एक्स इज इक्वल टी इज इक्वल टू जीरो पर सिग्नल का मैग्नीट्यूड जीरो है सो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से है ना और वो इंडिकेट करता है हर एक सैंपल में उसका डेटा कितना है सो कभी कभी सैंपलिंग पीरियड 1 सेकंड रहता है वो एंड कभी 5 सेकंड रहता है और जितना तुमको ज्यादा डेटा चाहिए उतना हम लोग को सैंपलिंग पीरियड को छोटा रखना पड़ता है तब उनको एक एनालॉग डिजिटल डेटा मिलता है नाउ सो जैसे हम लोग बताएं कि एनालॉग द जेट ट्रांसफॉर्म मेथड इज अ ऑपरेशनल मेथड इट इज वेरी powerful when we working with the discrete time signal in what we have jet transform of the time operation of a number sequence ठीक है so jet transform जो है उसको हम लोग को t domain से jet domain में convert करता है और उसका formula क्या होता है जैसे Laplace transform में हमारे पास jet transform of a finite टाइम फंक्शन एक्स टी वेर टी इज द नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ अ सीक्वेंस वैल्यू एक्स टी वेर के इज ना एंड टी सैम्पलिंग तो देखो किसी भी सिग्नल मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक सिग्नल है एक्स टी जिसका एक सैम्पलिंग पीरियड हर एक सैम्पलिंग पीरियड में उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास गिवन है तो अगर उसको जेट ट्रांसफॉर्म करते हैं दिस मीन्स टाइम डोमेन टू जेट डोमेन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है तो वो फार्मूला होता है देखो यहाँ पे ये इसका फार्मूला है दैट मीन्स एक्स जेड इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन फ्रॉम के इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी एक्स के टी इंटू जेड टू द पावर माइनस के जेड टू द पावर माइनस के ये डेफिनेशन ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म का हेलो ये दिख रहा है यस सर सो दैट मींस मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास एक क्या कहते हैं जैसे कोई सिग्नल है तो तुम उसको सपोज तुम्हारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ के टी के इंडिकेट कर रहा है के इक्वल टू जीरो मतलब हो गया एट जीरो टी इक्वल टू जीरो पर उसका डेटा का डेटा उसका मैग्नीट्यूड कितना है के इक्वल टू वन रहने का मतलब हुआ दैट मीन्स टी इक्वल टू कैपिटल टी पर उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है एंड के इक्वल टू टू हुआ दैट मीन्स के एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू टू टी पर उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म सो जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल एक्स टी इक्वल टू और एनी सिग्नल एक्स के टी इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम के इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी एक्स के टी इंटू जेड टू दी पावर माइनस के ओके सर यहाँ पे देखो बताओ व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन जेड ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास उसमें सर ई का पावर माइनस एस टी रहता था हेलो सपोज एक्स टी इज एनी सिग्नल यस एंड वहां पर देखो सपोज एक्स टी इज एनी कंटिन्यूअस सिग्नल and Laplace transform of x t is equal to summation from 0 to infinity x t into e to the power minus x t into dt. Yes, integration indicates summation of x t into e to the power minus s t. Yes or no? So, देखो यहाँ पे here x KT is the discrete data
साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड कट रहा है। रिप्लेस बाय द समेशन है ना, वहां पर भी टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन था, दैट मींस समेशन था, और यहां पर यहां पे एक समेशन आ गया। हेलो, बीच बीच में थोड़ा कट रहा है सर, मतलब ओके क्लियर अभी आ रहा है, क्लियर साउंड। एंड ई टू डी, देखो वहां पे इंटीग्रेटर था और यहाँ पर समेशन है, वहां पे इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, मतलब मोमेंट में इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो, यस, जैसे जैसे तुम्हारा एनालॉग में इंटीग्रेटर था, यहाँ पर समेशन, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल जो है वो एक डिस्क्रीट डेटा है, सो इसीलिए हम लोग वहां पे हर एक डेटा को जेड टू द पावर माइनस के के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हैं, और उसका जो वैल्यू हो रहा है उसको हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ को जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन इन द इक्वेशन नंबर इतना रिफर टू वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म, हम लोग जो है अगर x इक्वल टू फॉर नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग का जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है वो नहीं होगा, एंड व्हाट इज जेड, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। सो जैसे वहां पर भी s क्या था, व्हाट इज s इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, हेलो, व्हाट इज एस, हाँ सर, एस बराबर जे ओमेगा उसमें होता था सर, हेलो, इन फ्रीक्वेंसी लैपलास डोमेन, ट्रांसफॉर्म व्हाट डू यू मीन बाय एस, एस बराबर जे ओमेगा उसमें डालते थे सर, तो एस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यस सर, नहीं नहीं एस इज इक्वल टू रो प्लस जे ओमेगा डालो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर रो को इसका रियल रो को पार्ट जीरो कर इमेजिनरी देते थे पार्ट ना सर, जेड भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हाँ सर, हाँ यस, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में रो इज इक्वल टू जीरो रखते थे। हेलो हेलो, यस सर, आवाज मतलब कट जा रहा है सर, बहुत मतलब कट कट के आ रहा है बीच बीच में। हाँ तो ठीक है, वेट करो, क्या कर सकते हो, नेटवर्क का भी बहुत छोड़ छोड़ दे रहा है सर, एयरटेल का भी जो टावर है ना, एयरटेल का भी टावर सही नहीं चल रहा है। ओके, सो जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हेलो, यस सर, जस्ट वेट। सो जैसे हम यहां पे बताएं कि जेड ट्रांसफॉर्म जो ये जो डिफाइन किया हुआ है ये वंस वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग समेशन स्टार्ट किए हैं फ्रॉम के इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी तक, अगर हमारा टी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, टी को फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए सिग्नल का मैग्नीट्यूड रहेगा, तब हमारा समेशन जो हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स एक्स के टी इंटू जेड टू डी पावर माइनस के, फिर ये तुम्हारा डेफिनेशन हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म का। ओके यस सर, ओके, सो अब जैसे हम तुमको बताते हैं कि हम लोग किस तरह से जेड ट्रांसफॉर्म बताते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं
सो अब आते हैं उस एलिमेंट्री फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है. हेलो सो हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है. सो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए तुम लोग को ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस याद है क्लास 12 जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हाँ सर, उसमें होता था जिस तरह से इनफिनाइट सीरीज के लिए होता था ना, उसमें निकाला जाता था ये और a by l minus r करते थे. यस यस. फॉर जीपी सीरीज सपोज ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ टर्म अप टू इनफिनिटी, ए बाय वन माइनस आर. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला जेड ट्रांसफॉर्म में यूज होगा. सो सपोज जैसे हम लोग वहां पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालते थे. सो बताओ यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है. हेलो, यूनिट लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, यूनिट लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है सर? वन बाय एस. सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. सो इन यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब क्या हो गया, फॉर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी देयर इज अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू वन. दैट मीन्स फॉर ईच सैम्पलिंग पीरियड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू वन. सो अब हम लोग को जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका, उस सिग्नल का. सो एक्स जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट मीन्स वन इंटू जेड टू द पावर माइनस के एंड समेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. सो जब हम लोग के का वैल्यू जीरो रखते हैं सो वन आएगा, के का वैल्यू वन रखते हैं सो जेड टू द पावर, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो है हर फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू वन. सो समेशन इज इक्वल टू वन प्लस जेड टू द पावर माइनस वन प्लस जेड टू द पावर माइनस टू प्लस जेड टू द पावर माइनस थ्री डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. ओके सो नाउ अब बताओ ये जो है ये किस में है, एपी में है या जीपी में है या एसपी में है? जीपी. हेलो, जीपी में. एंड द फर्स्ट टर्म इज वन एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू जेड टू द पावर माइनस वन. सो यहाँ पर इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा वन बाय वन माइनस जेड टू द पावर माइनस वन. डेट मीन्स क्या हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय वन माइनस जेड टू द पावर माइनस वन. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर. ओके अब आते हैं हम लोग को एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं. एनी आइडिया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? याद था सर लेकिन भूल गए अभी. ओके सो व्हाट इज यहाँ पर जो जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन का जो जेड ट्रांसफॉर्म आया जेड बाय जेड माइनस वन आया, यस और नो? And what is Z? What is Z? Hello? Z is a complex variable. So Z, if the Z is a complex variable, so Z have a real part as well as the imaginary part. Yes or no? Yes, sir. So, अगर जेड इक्वल टू वन होगा नीचे का पोर्शन, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. तो दैट मीन्स जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए.
यस सर. सो अगर जेड इज इक्वल टू वन होगा दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड, जेड इंडिकेट्स द, तुम लोग थोड़ा सा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ के आना, हम अगले क्लास में इसको और भी डिटेल्स में पढ़ाएंगे. सो मॉडुलस ऑफ जेड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा. और मतलब वो बाकी जब उस रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन में तुम्हारा वो फंक्शन जो है वो वैलिड होगा. दैट मीन्स जस्ट हम तुमको एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, जस्ट वेट, अगर हम यहाँ पे ड्राइंग कर पाते हैं. जस्ट वेट, स्टॉप शेयरिंग. हेलो, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? यस. सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, जैसे मान लो ये जेड ट्रांसफॉर्म का ये तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ जेड है एंड ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है. ओके, सो सपोज यहाँ पे एक यूनिट सर्कल का एक रेडियस ड्रॉ किए. सो हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब क्या हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब क्या हो गया कि किस रीजन में उसका जेड ट्रांसफॉर्म वैलिड है ना. अगर मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड जो है वो यहाँ पर एक सर्कल का रेडियस को इंडिकेट करता है. अगर मॉड ऑफ जेड का वैल्यू वन होगा है ना, सो मोड ऑफ जेड का वैल्यू जो है वो वन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, कि जेड उसका जो जेड ट्रांसफॉर्म का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा हो गया, हेलो, कि जेड का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ जेड का वैल्यू अगर वन लेंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, ये पूरा रीजन जो है ये जो पोर्शन है वो जेड उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, एक्सेप्ट ये सर्कल का कोई भी पॉइंट जो है वो हम जेड का वैल्यू नहीं ले सकते. इस सर्कल का कोई भी पॉइंट हम लोग जेड के वैल्यू के बराबर वैल्यू नहीं ले सकते हैं. दैट मीन्स हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू वन बाय रूट टू प्लस जे इंटू वन बाय रूट टू, क्योंकि अगर ये पॉइंट लेंगे इस जगह पर जेड का जो वैल्यू है मॉड ऑफ जेड का वैल्यू जो है वन हो जाएगा और उस जगह पे जेड ट्रांसफॉर्म का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा. सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आया कि किस रीजन में उसका जेड ट्रांसफॉर्म वैलिड है. तो यहां पे हमारा क्या आया कि हर जगह पर वैलिड है, सिर्फ यूनिट सर्कल पर का कोई भी पॉइंट हमारा तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगा. सो हम लोग इसी तरह से जेड ट्रांसफॉर्म जब भी निकालते हैं तो उसमें हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करते हैं. सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से हमको पता चलता है कि वहां पे जो जेड ट्रांसफॉर्म जो वैलिड किए थे वो किस पॉइंट पर वैलिड है. ओके, हेलो. यस सर. सो और भी हमारे पास एक बुक अभी डाउनलोड किए. सो अभी हम एक और बुक दिखाते हैं. आई होप ये बुक थोड़ा सा उससे बेटर है. जस्ट वेट. एंड हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं बताओ. नहीं सर, जेड ट्रांसफॉर्म है ना सर, तो ये डिस्क्रीट वाला है. ना ना, फॉर जैसे हम लोग के पास हम लोग एनालॉग कंट्रोल लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़े पिछले सेमेस्टर में, अभी हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिस्टम जो है
वो डिजिटल सिस्टम अभी मार्केट में बहुत सारा हमारा जो प्लांट है वो डिजिटल सिस्टम पर वर्क करता है, बहुत सारा सिस्टम, कंप्यूटर का फंक्शन या तुम प्रिंटर का फंक्शन, वो डिजिटल डेटा इनपुट लेता है उसके हिसाब से वो काम करता है, यस और नो? यस सर। और नॉन लिनियर वाला सर? नॉन लिनियर, देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होता है ना वो इन नेचर नॉन लिनियर का नेचर होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप होता है एक्चुअली जो नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम का जो डिजाइन होता है या उसका स्टेबिलिटी निकालना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम को जो है ना लिनियराइज करते हैं यूजिंग डिफरेंट लिनियराइजेशन टेक्निक, जैसे फीडबैक लिनियराइजेशन टेक्निक होता है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होता है। तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोलर डिजाइन प्रोसीड्योर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, होता है। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग लीनियर कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उसको पहले लीनियराइज करते हैं फिर उसके हिसाब से कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। लेकिन क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो भी तुम प्लांट पढ़ते हो, जैसे हम तुमको बताए थे, मान लेते हैं एक आरएलसी सर्किट है, ओके, सो आरएलसी सर्किट में सपोज में हम एक वोल्टेज सोर्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल देते हैं, सो आर जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो तुम्हारा वोल्टेज है उसको, वो सपोज तुम्हारा आउटपुट है और इनपुट हम वहां पर एक एसी सोर्स लगाए, सो या सपोज हम एक डीसी सोर्स लगाए, तो तुम क्या कहोगे, आउटपुट इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू आर इन टू आई, यस और नो? सो लेकिन आर जो है वो ये एक रिलेशनशिप, वोल्टेज इंटू करेंट का जो ये रिलेशनशिप है वो तभी होल्ड करेगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बट प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यू नो, पता है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इनटू टी नॉट प्लस अल्फा टी इनटू टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला होता है ना जो टाइम के साथ वेरी, मतलब दैट मींस टेम्परेचर अगर बढ़ते रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस अगर टाइम के साथ वेरी करते रहेगा तो ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वी इज इक्वल टू वी